नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, 15% वृद्धि के साथ मिलेगा वेतन, कई महीने का एरियर भी मिलेगा। बिहार के 3.5 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है, उनके वेतन में 15% से ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। वैसे तो नीतीश सरकार ने तकरीबन 1.25 साल पहले ही वेतन बढ़ाने का फैसला लिया था, लेकिन अब इसे अमल में लाया जाएगा। शिक्षकों को कई महीने का एरियर भी मिलेगा। जिन शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा उनमें प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के पंचायती राज एवं नगर निकायों के शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष शामिल हैं। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने शिक्षकों के मूल वेतन में 15% की वृद्धि का लाभ देने की मंजूरी दे दी है। शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों को इस वेतन वृद्धि का लाभ 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से मिलेगा। वित्त विभाग ने इसकी मंजूरी दी है, यानी शिक्षकों को अप्रैल 2021 से अब तक का एरियर भी मिलेगा। नियोजित शिक्षकों को वेतन बढ़ाने से सरकार को हर साल तकरीबन 1950 करोड़ रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे। लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारियां पूरी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभिन्न छठ घाटों का किया निरीक्षण। बीते सोमवार से लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत नहाए खाए के साथ हो गई है। महापर्व छठ पूजा के अर्घ की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के गंगा घाटों का निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद सहित कई अन्य मंत्री भी सीएम के साथ मौजूद थे। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। स्टीमर से गंगा के कई घाटों का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। गंगा घाटों का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर राज्य सरकार की तरफ से व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। घाटों की साफ सफाई से लेकर अप्रोच पथ की मरम्मत सहित अन्य कार्य लगभग पूरा हो गया है। कार्य की प्रगति को देखने आज खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद सहित कई अधिकारियों ने गंगा घाट का निरीक्षण भी किया। बिहार के लोगों पर महंगाई की एक और मार, सुधा दूध के दाम बढ़ाए गए, जानिए क्या होगा नया रेट। बढ़ती महंगाई से जूझ रहे बिहार के लोगों पर एक और मार पड़ी है। बिहार सरकार द्वारा संचालित बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड यानी कि कॉम्फेड ने सुधा दूध की कीमतें बढ़ा दी है। 11 नवंबर से लोगों को दूध के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। कॉम्फेड ने सुधा दूध के दाम में प्रति लीटर 2 से 4 रुपये तक का इजाफा किया है। 11 नवंबर से नई दरें लागू होंगी। हम आपको बता दें कि बिहार में दूध की कुल खपत में सुधा दूध की हिस्सेदारी लगभग 60% है। सुधा दूध का दाम बढ़ने के बाद दूसरे दूध के दाम भी बढ़ेंगे। वहीं जैसे पनीर से लेकर दूसरे दुग्ध उत्पादों के दाम में भी इजाफा होने की संभावना है। बिहार में ड्यूटी से गायब रहने वाले टीचर्स पर एक्शन, कई शिक्षकों का कटेगा वेतन। बिहार सरकार अब ड्यूटी से पल्ला झाड़ने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करेगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों की रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट में 617 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। अब इन 617 शिक्षकों पर अनुशासनिक कार्रवाई होगी। ऐसे शिक्षकों के वेतन में कटौती का आदेश दिया गया है। इसके अलावा इनको निलंबन करने की आदेश जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले महीने प्रखंड संसाधन केंद्रों और संकुल संसाधन केंद्रों में प्रतिनियुक्त 5,317 शिक्षकों को हटाते हुए तत्काल प्रभाव से मूल विद्यालयों में योगदान करने का आदेश दिया था। इनमें से 127 शिक्षक न अपने मूल विद्यालयों में लौटे और न ही प्रभार दिए गए। वहीं 490 शिक्षकों ने संकुल संसाधन केंद्रों का प्रभार संबंधित प्रधानाध्यापकों को नहीं दिया। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के आदेश में प्रतिनियुक्त निरस्त करते हुए शिक्षकों को कहा गया था कि विरमित होने पर संकुल संसाधन केंद्रों के प्रधानाध्यापकों को तत्काल प्रभार सौंप दे। संबंधित शिक्षकों को अपने मूल विद्यालयों में अध्यापन के काम पर अविलंब योगदान करना होगा। यह आदेश शिक्षा विभाग ने उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में दिया था, लेकिन 4,827 शिक्षकों ने ही मूल विद्यालयों में योगदान दिया और अपने प्रभार को सौंपा। अब जिन शिक्षकों ने न मूल विद्यालय में ही योगदान दिया है और न प्रभार दिया है, उन शिक्षकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है। बिहार में एक बार फिर खुली शराबबंदी की पोल, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के शराब पीने का वीडियो हुआ वायरल। जहरीली शराब पीने से बिहार में अब तक करीब 45 लोगों की मौत हो चुकी है। गोपालगंज, बेतिया और समस्तीपुर में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद बिहार में शराबबंदी कानून पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं लखीसराय में भी एक मामला सामने आया है जिसने शराबबंदी कानून की पोल खोलकर रख दी। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में तैनात सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के शराब पीने से जुड़ा यह मामला है,
जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले की गंभीरता से देखते हुए लखीसराय के रहने वाले प्रमोद सिंह ने इसकी शिकायत उत्पाद विभाग से लेकर मुख्य सचिव और डीएम तक से की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि बिहार में शराबबंदी बस कहने की बात है। शिकायतकर्ता प्रमोद सिंह ने बताया कि सहकारिता प्रसार पदाधिकारी चंदन कुमार काफी मनमानी करते हैं, वे हर दिन शराब पार्टी करते रहते हैं। टीपीडीएस सहायक गोदाम प्रबंधक के पद पर सूर्यगढ़ा में वे तैनात हैं। इनकी नई पोस्टिंग बिहार के स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड में 8 जून 2020 को लखीसराय में की गई। इस बात की शिकायत उत्पाद विभाग से भी की गई थी। शराब पार्टी करते हुए चंदन कुमार का 25 मिनट का एक वीडियो भी है। ईपीडीएस गोदाम रोम होटल में वे अक्सर शराब पीते पाए जाते हैं। प्रमोद सिंह का कहना है कि सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की शिकायत के बाद भी उन पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। उनके खिलाफ सरकारी अनाज की बिक्री की भी शिकायत की गई है, लेकिन इस मामले में भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। छठ को लेकर 600 से अधिक पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द। बिहार के चौक चौराहों पर सुबह से ही तैनात रहेंगे जवान। छठ महापर्व को लेकर बिहार सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई अहम फैसले किए हैं। छठ महापर्व को लेकर मुख्यालय ने 600 से अधिक पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार 1000 से अधिक आवेदन मुख्यालय में आए हुए हैं, जिसमें छठ करने वाले और छठ महापर्व में छुट्टी करने वाले सिपाहियों के आवेदन हैं। पुलिस मुख्यालय ने सभी आवेदनों को रद्द करते हुए छुट्टी को कैंसिल कर दिया है। जो महिला सिपाही व पुरुष छठ महापर्व करते हैं, सिर्फ उन्हीं को छुट्टी दी गई है। मालूम हो कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुल 1700 पुलिसकर्मियों की तैनात किया गया है। वहीं सूत्रों की माने तो अभी छठ पूजा को लेकर सैकड़ों आवेदन पड़े हुए हैं। उत्तर बिहार से झारखंड के कई शहरों के लिए चलेंगी सरकारी बसें, जानिए कितना सस्ता होगा सफर। बिहार परिवहन विभाग अगले माह करीब 200 रूटों पर बस सेवा शुरू करने की तैयारी में है। खासकर बिहार और झारखंड के बीच सफर को और सुगम बनाने के लिए उत्तर बिहार के कई शहरों से झारखंड के प्रमुख शहरों के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम अपनी बस सेवा शुरू करने जा रही है। इससे उत्तर बिहार से झारखंड के विभिन्न शहरों में अपेक्षाकृत कम किराए में आवाजाही संभव हो सकेगा। विभागीय सूत्र के अनुसार उत्तर बिहार के 8 जिलों से झारखंड के विभिन्न शहरों के लिए बस सेवा शुरू करने की योजना है। योजना के तहत उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, रक्सौल, बेतिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी से झारखंड के लिए सीधी बस सेवा शुरू की जाएगी। बस सेवा झारखंड की राजधानी रांची समेत धनबाद, बोकारो, देवघर, हजारीबाग जैसे शहरों के लिए शुरू होगी। अभी इन जिलों से झारखंड के विभिन्न शहरों का सफर ज्यादातर ट्रेनों से ही संभव हो पा रहा है। पटना के इन 12 घाटों को घोषित किया गया खतरनाक, व्रतियों को नहीं जाने की दी गई सलाह। छठ पूजा को लेकर पटना जिला प्रशासन ने तैयारी अब और तेज कर दी है। कई बार घाटों को लेकर संशय की स्थिति प्रशासन के सामने बनी रही। राजधानी के 12 घाटों को खतरनाक घोषित कर दिया गया है। वहीं कलेक्ट्रेट घाट पर जाने के लिए इस बार बांस घाट के तरफ से तैयार किए गए वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल किया जा सकता है। पटना जिला प्रशासन के लिए इस बार कई घाटों के लिए फैसला लेना बेहद चुनौती भरा रहा। कलेक्ट्रेट और महेंद्रू घाट पर पटना की बड़ी आबादी छठ के लिए पहुंचती है। इस बार गंगा का जलस्तर बाढ़ के दौरान काफी तेजी से बढ़ा, लेकिन अब जब पर्व नजदीक है तो पानी काफी घट चुका है और काफी दूर जा चुका है। दोनों घाटों को तो तैयार कर दिया गया है, लेकिन वहां तक पहुंचना इस बार चुनौती से कम नहीं है। बिहार में और बढ़ेगी ठिठुरन, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के असर। बिहार में लोगों ने गुलाबी ठंड का एहसास काफी पहले लेना शुरू कर दिया है और अब आगे आने वाले दिनों में ठिठुरन और ज्यादा बढ़ेगी। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान पहले से और नीचे गया है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर बिहार में दिखने लगा है। दीपावली से छठ के बीच तापमान में और गिरावट दर्ज होने की उम्मीद है। छठ के मौके पर बिहार के लोगों को हल्के ठंड वाले कपड़े पहनने पड़ सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य भर में मौसम शुष्क बना हुआ है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम की तरफ से लगातार हवाएं बिहार के सभी हिस्से में प्रवेश कर रही हैं। इसके प्रभाव से हवाओं में ठंड के साथ नमी है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी की वजह से आने वाले दिनों में बिहार के सभी हिस्से में दिन के तापमान में भी गिरावट आएगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 28 से 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इस दौरान 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। इसकी वजह से शाम से सुबह तक मौसम सर्द रहेगा। धूप निकलने के साथ ही पारा चढ़ेगा। अब नहीं लगाना पड़ेगा सरकारी दफ्तरों का चक्कर। मैरिज से लेकर बर्थ सर्टिफिकेट तक उपलब्ध कराएंगे किन्नर। सरकारी योजनाओं का भी
लाभ गरीबों को दिलाएंगे। गरीबों के मदद के लिए सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, लेकिन इन योजनाओं का जानकारी नहीं होने के कारण जरूरतमंदों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। जानकारी के अभाव में लोग इन योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित हो जाते हैं। इन्हीं परेशानियों को दूर करने की पहल औरंगाबाद में की गई है। औरंगाबाद में किन्नरों को सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। अब किन्नर ही मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डेथ सर्टिफिकेट, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड सहित कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का काम करेंगे। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। किन्नरों को यह जिम्मेवारी औरंगाबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने दी है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें।